हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई रियली होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड भगवान करे सब अच्छे हों अपने अपने घरों में एंड सबकी फैमिलीज बहुत अच्छी हों, किसी को कोई दुख कोई परेशानी ना आए। तो गाइज, बस अभी इवनिंग हो चुकी है और अराउंड 5 o'clock टाइम हो रहा होगा अभी। तो बस अभी जस्ट दक्षु को मैंने फ्री किया, उसे खिला पिला के वो सो के उठा था अभी। तो मैंने कहा चलो पहले इसे कुछ खाने के लिए दे दूँ, उसके बाद ही फिर मैं अपने इवनिंग के सारे काम वगैरह जो है वो निपटाती हूँ, क्योंकि फिर ऐसा होता है ना, बच्चा भूखा होता है तो फिर उसे वो रोता रहता है। इस वजह से मैं सोचती हूँ कि इसे फ्री करूँ ताकि आराम से अपना खेलता रहे, फिर ये अपना खेल में बिल्कुल बिजी रहता है, उसके बाद ही मैं अपने सारे जो काम है वो निपटाती हूँ। तो अभी बहुत ज़्यादा दक्षु ने इधर उधर फैला रखे है सारे सामान, अभी खेल रहा था ये अपने टॉयज से तो सब इधर उधर गिरा देता है। तो अभी मैं मुझे बेडरूम को क्लीन करना है, बेडरूम को सेट करना है, बेडशीट वगैरह ऐसी बिखरी पड़ी है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। एंड आज मैंने अपने बाल खोल रखे हैं तो ये देखो क्या हाल कर रखा है इसने, इसका छोटा भीम, और ये सारे इसके टॉयज, और ये इसकी साइकिल, पता नहीं जो जो हाथ में आता है इसके सब इधर उधर गिरा देता है। और अभी दिखाती हूँ दक्षु, ये देखो ये इसका टैडी यहाँ पे रहता है, इसको भी गिरा दिया। दक्षु हाय, कैसे हो? मैं नहीं नहीं बाबू, आपको नहीं देना, नहीं नहीं आपको नहीं देना, आप गिरा दोगे बेटू, गुस्से हो गया। ये क्या कर रखा है? तो गाइज आप लोग देखना चाहते हो क्या? आप लोग रेडी हो दक्षु का ये सारा जितना भी इसने यहाँ पे बिखेर रखा है सामान, आप लोग रेडी हो इसे देखने के लिए? गंदू बच्चू को ये देखो, ये इधर और ये सामान इधर, और ये सॉस की बॉटल भी निकली हुई है, और इसको मैंने इस कटोरी में डाल के ना ये नमकीन वगैरह चिप्स वगैरह दिए थे खाने के लिए, और गोभी इसने गिरा दिए सारे। अब मुझे पूरा बेड ना पूरी बेडशीट उठा के सारा झाड़ना पड़ेगा अच्छे से। तो चलिए लग जाते हैं काम पे, इसने काम तो और बढ़ा दिया मेरा, मुझे लग रहा था ऊपर ऊपर से साफ कर दूंगी सारा कांदू। अब देख रहा है क्या किया दक्षु ये आपने, क्या किया, क्या किया ये आपने? गंदे गंदे काम मम्मा के काम बढ़ा देते हो आप।
लगा देता है चीज़ें, तो इस वजह से मैं क्या करती हूँ शाम को डेली क्लीनिंग करती हूँ। पोछा वगैरह तो मैं मॉर्निंग में लगा लेती हूँ जब सफाई करती हूँ, बट शाम को मैं झाड़ू जरूर लगाती हूँ। तो बस यही रीज़न है मेरा शाम की सफाई करने का। तो फिर शाम को पूजा वगैरह करके फ्री होके फिर मैं करती हूँ डिनर की तैयारी। जो किसी ने ना, मैं आप लोगों के साथ मॉर्निंग टू नाइट एंड मॉर्निंग टू इवनिंग पूरा अपना ब्लॉग शेयर करूँगी कि मैं पूरे दिन में क्या क्या करती हूँ, तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और दक्षु अभी देख रहा है उधर कार्टून, यहाँ पे बन रही है मेरी कॉफ़ी, ये दूध अभी बॉयल होने के लिए रखा हुआ है मैंने। तो चलिए मैं आपको दक्षु से मिलाती हूँ, गैस को कर देते हैं कम, तो देखते हैं दक्षु क्या कर रहा है। जनाब लेटे हुए हैं अभी भी, ये देखो हेलो, यहाँ पे लेट के अपनी चीजी खा रहा है और यहाँ पे कार्टून एंजॉय कर रहा है। इसको समझ नहीं आता अभी कुछ, कार्टून वार्टून बस देख के हंसता रहता है। जब वो इधर उधर भागते हैं ना तो देख देख के हंसता रहता है, अभी इसे समझ नहीं आता, बट इसे अच्छे लगते हैं कलरफुल से कि कुछ चल रहा है वहाँ पे, है ना नक्शु? नक्शु हाय कर दो सबको, कैसे हो बोलो, कैसे हो तो चलिए गाइज, मैं इंद्रजीत मिलती हूँ आपसे फिर एक नई वीडियो या फिर नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलती रहे। और कुछ तो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं ही जो न्यू विजिट कर रहे हैं चैनल पे, वो लोग सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए गाइज, आई होप आपको पसंद आई होगी मेरी आज की ये वीडियो। तो चलिए गाइज, मैं इंद्रजीत मिलती हूँ आपसे फिर एक नई वीडियो या फिर नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। दर्शु बाय करो सबको, दक्षु इधर देखो, दक्षु से बाय। कितना बिजी है ये लड़का, बाय बाय करो, बाय बाय।